कराची से खबर शामिल करते हैं। काशिफ अहमद फारूकी की रिपोर्ट। सिंध और कराची बाड़ी बिल्डिंग एसोसिएशन के अहदेदारान के इंतखाबात कराची के मकामी होटल में मनक्द हुए, जिसमें कराची और सिंध के देगर अशरों से अहदेदारान ने शिरकत की। सिंध और कराची के बाड़ी बिल्डिंग एसोसिएशन के होने वाले इंतखाबात का अनाकाद पैटर्न सिंध बाड़ी बिल्डिंग एसोसिएशन रिहान हाशमी, सेक्रेटरी सईद जमील, सदर तारिक और फेडरेशन सेक्रेटरी तारिक खान की जेर नगरानी अंजाम पाया। नियत उस मौके पर रिहान हाशमी और दीगर लोगों का कहना था का 4 साल मदद के लिए नू मंतक वाहदीदारान ने खेल को बैन अलावामी मेयार पर ले जाने का अज़्म किया। वाक्स पिक्स। रिहान हाशमी का कहना था कि उस साल स्पेन में नवंबर 2021 में बैन अलावामी मुकाबलों में पाकिस्तान की शिरकत होगी, जिसमें सिंध से के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। आजाद रियासत न्यूज कराची। कराची भी मौजूद है और सिंध भी मौजूद है। सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से कराची और सिंध में हो रहा है। ना सिर्फ सिंध में तकरीबन 30,000 के करीब प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल खिलाड़ी मौजूद है, जो कि भरपूर तरीके से इस मजबूत सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। और सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और उसके अहदेदारान सिंध भर में रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में यकसा अंदाज में जो भी अपनी एक्सपर्टीज है वो फ्राहम करने की कोशिश करते हैं। आज का इलेक्शन बुनियादी तौर पर 4 साल की मुद्दत के लिए तयन करेगा। इलेक्शन कवानीन को फॉलो किया जा रहा है, ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं और आने वाले दिनों में नवंबर में स्पेन में आलमी मुकाबला जात में सिंध से भी पार्टिसिपेशन हो रही है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए सरगर्दा है, नौजवान यहां से जा रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है। मैं खराज तहसील पेश करता हूँ और सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेजिडेंट तारिक अकबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल तारिक अकबर की निगरानी या हमारे जो